नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर बुलेटिन के साथ। बागेश्वर के जिला सभागार में आज उत्तराखंड पर्यटन ग्रामीण उत्थान योजना की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि यह योजना राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को गांव में विकसित करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल बागेश्वर के अंदर पर्यटन के लिए गाँव चयनित कर लिए गए हैं, अब सर्वे के बाद उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। विकास करने की बात थी। क्लस्टर में हम लोगों ने, हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम श्यामा नीति योजना की लें, या दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम पिंडारी कफनी सुंदरडूंगा ग्लेशियर के रास्ते में आने वाले जितने गांव हैं, लोहार के से लेके लोहार के सोंग वाचम खाती बजियाकोट, इन सारे गाँव को जोड़ के क्लस्टर बनाएं और वहाँ टूरिस्ट के लिए सारी फैसिलिटी डेवलप करें। और जब सारी फैसिलिटी हम टूरिस्ट के लिए डेवलप करेंगे तो निश्चय ही हमारे यहाँ अधिक टूरिस्ट आएंगे और लोग अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड का सबसे सुंदर जो जिला है वो बागेश्वर है, जिसने ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हमको। हमारे पास 3 ग्लेशियर हैं, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है पिंडर नदी को यहीं से निकलती है। हमारे पास बर्ड्स का बहुत बड़ा भंडार है, हमारे पास बुग्यालों का बहुत बड़ा भंडार है। अगर हम इसकी ओर सोचें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी चलाई जा रही है, और उसमें जो हमारे जिला स्तरीय जो कमेटी है, जिसमें मैं हो गया, CDO हो गए, DTO हो गए, और कुछ हमारे जो और सदस्य हैं जो यहाँ पे टूरिज़्म में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी इसका समिति का पार्ट है। और आज हमारी ये पहली बैठक थी। पहली बैठक में बेसिकली, क्योंकि इसमें क्लस्टर के तरीके से यहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट विलेजेस हैं उनको डेवलप करना है, तो आज हमने इसका चयन किया है। तो जो हमारे पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक में जो हमारे विलेजेस आते हैं, जिसमें लोहार खेत हो गया, मुनार हो गया, सुपी हो गया, जुनी हो गया और खाती और वाचम, इन ग्रामों को हम लोग ले रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी, जैसा इस योजना के अंदर कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर कंपोनेंट बेसिकली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करनी है। तो हम ये सब ट्रेनिंग्स वगैरह करके हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे टूरिज़्म जो है, पहले से टूरिस्ट वहाँ जाता है लेकिन वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे नहीं मिल पाता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे मिले। बागेश्वर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जनपद में बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 स्टेजिंग एरिया बना दिए गए हैं, जिससे बाहर से आ रहे लोगों की बिलोना और कौसानी में जांच हो रही है। इसके अलावा जिले में कोरोना की टेस्टिंग भी दुगना बढ़ा दी गई है। 2 दिन से लगातार कोरोना संक्रमण जो बागेश्वर केस बढ़ते आ रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए आगे को क्या रणनीति है? देखिए, अभी हमने रिसेंटली काफ़ी जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दी थी। जैसा भी आप जानते होंगे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब 14,000 पर मिलियन सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही थी, और अब हमारी जो है वो 35,000 सैंपल्स पर मिलियन हो गई है। तो हमने टेस्टिंग जो है वो 2.5 गुना बढ़ा दी है। तो उस वजह से जो है जो ये केसेस हैं वो भी सामने आ गए, जिसमें कल भी हमारे जो है लगभग 10 केसेस आए हैं, जिसमें हमारे कुछ कलेक्ट्रेट से भी आए हैं, कुछ विकास भवन से भी आए हैं, और कुछ हमारे जो बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कर रखा था, तो उनकी टेस्टिंग करी तो वो भी पॉजिटिव आए हैं। लेकिन हमारी इसमें जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी लोग टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको, उनकी 100% हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, उनको 100% हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिससे ये संक्रमण ना फैले। और यहाँ पे भी हमारे जो फ्लू क्लिनिक्स हैं और हमारे जो रैंडम टेस्टिंग हम लोग करवा रहे हैं, कम्युनिटी में हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, उसके माध्यम से भी जो अगर पॉजिटिव आता है तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ट्रेस करके उनकी भी हम लोग टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं। तो इसी से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ये संक्रमण जो है इसको हम लिमिटेड रख सकें।
बागेश्वर कांडा पड़ाव में बिजली आपूर्ति की समस्या से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। दरअसल यहां लाइट नहीं होने से लोगों के कई काम अटक रहे हैं। यहां स्टाम्प का काम कर रही शोभा पांडे ने बताया, सुबह से उनके दुकान में ग्राहकों की भीड़ है, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से सारे काम अटके पड़े हैं और ग्राहकों को बिना काम कराए घर वापस लौटना पड़ रहा है। इधर ग्राहकों का कहना है कि गाड़ी का किराया खर्च कर कई किलोमीटर दूर आने के बावजूद भी उनका काम बिजली न होने की वजह से नहीं बन पा रहा है। जी, मैं अजय कुमार लगभग 15 किलोमीटर नीचे धपोला सिरा सिमगुना से आया हूँ। लगभग मुझे यहाँ पर 3-4-5 घंटे हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं है कांडा में, और मुझे स्टाम्प बनाने थे, बैंक जाना है और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। और जबकि गाड़ी से आते हैं हम इधर उधर से, 150-200 रुपये उनको टिकट देना पड़ता आने जाने का, और 4-5 घंटे हो गए सुबह से, अभी तक लाइन नहीं है। शोभा पांडे, मैं स्टाम्पिंग का काम करती हूँ यहाँ पर। 8 बजे से जो है यहाँ पर लाइट नहीं है। मेरे जितने भी यहाँ पे मेरे ऑफिस में जितने भी काम के लिए लोग आ रहे हैं, लाइट की वजह से सारे लोग वापस चले गए और यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत चल रही है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे मीडिया के जो भाई साहब हैं, अच्छा, मेरे साथ कितने भाई और बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, सारे मेरे काम जो है बिजली की वजह से ठप हो गए हैं। बागेश्वर में गरुड़ तहसील के ग्वार पंजेड़ा में गोपाल रोतेला और उनके भाइयों के आवासीय मकान की सुरक्षा दीवार रात में हुई भारी बारिश से गिरने के बाद अब उनके आवास के साथ ही उनकी 3 गौशालों को भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। इधर उनकी सुरक्षा दीवार गिर जाने से पड़ोसियों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं गाँव में आवाजाही का एकमात्र रास्ता भी है इसी दीवार से होकर गुजरता था, जो कि भू कटाव के चलते क्षतिग्रस्त हो चुका है। इधर पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेने की भी अपील की है। खतरा है और 2 परिवार हैं हमारे यहाँ मकान पर और 3 गौशाला ठहरे और बेरोजगार सब हैं परिवार हमारी भाई, 4 बच्चे बड़े भाई साहब के हैं, 3 बच्चे हमारे हैं और 2-2 जने हम ठहरे थे और हमको खतरा है इस मकान में, जल्दी मिलना चाहिए। बागेश्वर में आज यूथ कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की खामियों को गिनाया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता हरीश रावत की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से आज राज्य का युवा बेरोजगारी की जद में है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की रोजगार 2 मुहिम के बारे में बात करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते कई युवा बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी रोजगार 2 मुहिम के जरिए फिर से रोजगार दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है। किस संबंध में आज की आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है? हमारा पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चल रहा है रोजगार को। 9 तारीख यूथ कांग्रेस की स्थापना दिवस के दिन हम सब ने प्रण लिया था कि यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस में हर्षोल्लास के साथ ना मना के इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें कार्यक्रम करना। रोजगार तो प्रोग्राम हमारा 9 तारीख को स्टार्ट हुआ पूरा देश में, जिसमें पहला फेज हमारा था जिसमें हमने वॉल पेंटिंग के थ्रू, स्लोगन के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू देश की जनता को, बेरोजगार जो युवक है उनको जगाने का काम किया और इस नाकाम सरकार की नाकामी को गिनाने का काम किया, जिसमें देश में लाखों लोग इस मुहिम से हमारे जुड़े। और अगले फेज में हमारे इस मुहिम को सड़कों तक लाने का है, जिसमें हर गांव हर ब्लॉक में हम रोजगार दो आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्लोगनों के माध्यम से इस देश के बेरोजगार युवाओं को ठगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादा करके 6 साल में 12 करोड़ रोजगार होता है, 12 करोड़ रोजगार देने के बजाय इस लॉकडाउन में 14 करोड़ रोजगार इस देश से छीन चुका है, ये कई एजेंसियां कह रही हैं। यही नहीं, अगर कोई भूखा इस देश की जनता राशन की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी उनको भाषण देते हैं, अगर कोई बेरोजगार रोजगार की बात करता है तो नरेंद्र मोदी जी उनको पकौड़े बेचने की सलाह देते हैं। आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन लेके ये आए हैं, उस आत्मनिर्भर के नाम पे हमारा बेरोजगार युवक आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इस देश की सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन इस देश में 21वीं सदी को बचाने के लिए मांगे थे और आज 6 महीने हो चुके हैं, 22 तारीख को 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे इस कोरोना काल के।
इस 6 महीने में कोई भी अच्छी ठोस नीति इस देश की सरकार ना युवाओं के लिए ला पाई है, ना बेरोजगारों के लिए ला पाई है, ना गरीबों के लिए ला पाई है। आज गरीब सड़कों पे बेहाल है। बागेश्वर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश भर में जेईई और नीट परीक्षाओं को निरस्त करने के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया है। यहां प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन परीक्षाओं में हर साल लाखों बच्चे प्रतिभाग करते हैं। इस महामारी के दौरान बच्चों को संक्रमण होने का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार को फिलहाल परीक्षाएं रद्द करनी चाहिए। संबंध में आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। आज जो जेई मेंस और नीट की परीक्षा के लिए सरकार द्वारा जो तिथि तय की गई है उसके विरोध में हमारा यहाँ पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था, क्योंकि आज पूरे देश में जो कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सरकार से पूछते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में पेपर कराना जरूरी है? एक तरफ आप देखिए, लॉकडाउन के चलते सारे छात्र अपने अपने घरों को चले गए, अब उन्हें दोबारा पेपर सेंटर तक पहुंचने के लिए यातायात की व्यवस्था में कितनी परेशानी आएगी, और इसके अलावा ट्रेनें आपकी खुली नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छी तरह खुले नहीं है, कुछ शहरों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, और जो हमारे जैसे बिहार है असम है वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और हम सरकार से पूछते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में आपको पेपर कराना चाहिए? तो हम सरकार से, हमारी यही मांग है कि इस डेट को पोस्टपोन किया जाए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं आ जाती है उसके बाद पेपर कराया जाए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के समस्त फ्रंटल संगठनों ने आज जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाएँ कराई जा रही हैं, NDA की है, नीट की है और JET की है, इन सब परीक्षाओं को हमने कह रखा कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय पीछे कराया जाए, क्योंकि बिहार में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है, अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन की स्थिति है, और इस समय केंद्र की सरकारें ऐसी अगर प्रतियोगिता परीक्षाएं कराएंगी तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका भविष्य अधर्म लटक सकता है। इसलिए हम केंद्र की सरकार से आज इनके प्रतिष्ठानों के माध्यम से, जो केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर बैठकर अपना धरना, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अपनी धरने को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसी माध्यम से हम लोग केंद्र से अपनी विरोध भी दर्ज कर रहे हैं कि आखिर कब तक नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ करते रहेंगे? अगर ऐसे ही खिलवाड़ करते रहें तो शायद नहीं लगता कि हमको इस 21वीं सदी में जो साइंस टेक्नोलॉजी का जो समय है, इस समय हम अपने नौजवान पीढ़ी को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। इसलिए हम सब लोग आज युवा कांग्रेस, NSUI और हमारी महिला कांग्रेस और कांग्रेस के समस्त फ्रंटल संगठन कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हैं, और हम सब लोग चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता परीक्षाएं आगे जाएं और नौजवानों को एक स्वर्णिम मौका इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद जरूर मिले, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या प्रोग्राम था और क्या इसका उद्देश्य था? आज जो JEE और नीट की परीक्षाएँ सरकार करने जा रही है, इसमें लगभग 26 लाख बच्चे परीक्षार्थी ऐसी विषम परिस्थिति में, अधिकांश परीक्षार्थी जो है वो गरीब घरों से आते हैं और ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, यातायात की सुविधाएं ठप पड़ रही है और कई जो लॉकडाउन है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी कैसे पहुंच पाएंगे, ये बड़ी दिक्कत समस्या है। इसके लिए विद्यार्थियों के कहने पर छात्रों के जान माल की सुरक्षा के लिए हमारे नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया गया है, के आह्वान पर हम सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो डेट दे गई है 1 सितंबर से 6 सितंबर और 3 सितंबर को, उसको पोस्टपोन किया जाए, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, जो 300-400 किलोमीटर दूर उनका केंद्रीय सेंटर है वो कैसे वो बच्चे पहुँचेंगे इस काल में, जबकि यातायात की सुविधा नहीं है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके जान माल की रक्षा। बागेश्वर बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।